आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की फेमस एक्ट्रेस इमन खान के बारे में। अदाकारा इमन खान किसी तारुफ की मोहताज नहीं। इमन खान का शुमार उन अदाकाराओं में होता है जिन पर किस्मत की देवी हमेशा मेहरबान रहती है। इमन खान ने 22 साल की उम्र में वो कर दिखाया जो पाकिस्तान की नामवर अदाकाराएं भी ना कर सकी। इमन खान का शुमार पाकिस्तान की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली अदाकाराओं में होता है और उनकी खूबसूरती और टैलेंट की वजह से इन्हें दुनिया भर में बेहद पसंद किया जाता है। हाल ही में इमन खान ने हम सोशल मीडिया अवार्ड अपने नाम किया। उसके अलावा इनका नाम बेहतरीन अदाकारा के तौर पर हम अवार्ड में नॉमिनेट किया जा चुका है। रिसेंटली इमन खान को दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड मिला है। अमेरिका के मशहूर तरीन जरीदे फोर्ब्स ने 2020 की बासर अदाकारों की लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में उन अदाकारों का नाम शामिल किया गया है जिन्होंने सबसे ज्यादा सोशल मीडिया के जरिए लॉकडाउन में अवाम में आगाही फैलाई है। और अमेरिकी सर्वे के मुताबिक इमन खान ने ये काम बहुत अच्छे तरीके से सरंजाम दिया है जिसकी वजह से इमन खान दुनिया की 21वीं बासर अदाकारा बन चुकी हैं। इमन खान के अलावा पाकिस्तान में ये अवार्ड माहरा खान और आतिफ असलम को मिला है। माहरा खान दुनिया की 35वीं जबकि आतिफ असलम दुनिया की 37वीं बासर शख्सियत बन चुके हैं। जबकि भारत में ये अवार्ड अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन और शाहरुख खान को मिला है जबकि सलमान खान को ये अवार्ड इस साल ना मिल सका। और अगर इमन खान की जुड़वा बहन मिनाल खान की बात की जाए तो मिनाल खान भी काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोइंग रखती हैं लेकिन मिनाल खान को इमन खान की तरह ज़्यादा कामयाबी ना मिल सकी। और इमन खान का ये अवार्ड पाकिस्तान और इमन खान के फैंस के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इमन खान का ये अवार्ड इमन खान के साथ साथ इमन खान के फैंस के लिए भी बहुत ऑनर की बात है। इमन खान के अवार्ड की खबर सुनते ही इंडस्ट्री के तमाम लोगों ने इमन खान को काफ़ी ज़्यादा मुबारकबाद दी। आप लोगों को ये खबर सुनकर कैसा लगा कमेंट्स में बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। इसके साथ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।